जनाब जुल्फकार, आज का मेरा टॉपिक है वाई चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन स्टडीज़। एक बच्चा पढ़ाई में क्यों दिलचस्पी नहीं लेता। दरअसल हमारे बच्चों से पहली बड़ी गलती ये हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, और ना ही कभी उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है। मेरे नज़दीक ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें एक बच्चा खुद को डिस्कवर ना कर सके, जिसमें वो खुद को डिस्कवर ना कर सके, खुद को दरियाफ्त ना कर सके। अगर आप सही मनों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके दिलों के अंदर, उनके दिलों की दुनिया में जान कर देखें। वहाँ आपको कहीं ना कहीं गैर ज़रूरी नज़रिए नज़र आएंगे जिनकी बिना पर आपका बच्चा ना सिर्फ आपका बल्कि सारी दुनिया का नाम रोशन कर सकता है। वो इस बेस पर पूरी दुनिया पर अपनी दाग बिठा सकता है। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी फील्ड में पूरी दुनिया के आगे बारी हो सकता है अगर उसका उसमें इंटरेस्ट हो। ये बात मैं आपको बहुत बहुत गहरी सोच के साथ बता रही हूँ कि अगर एक इंसान PhD लेवल तक चला जाता है तो वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाता, उसका कोई मकसद नहीं होता, तो मेरे नज़दीक वो अनएजुकेटेड है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को ये समझाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप ख़ुद को दरियाफ्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश करें कि आप क्यों और किस वजह से दिन रात अपने आप को हलकान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आजकल का सिस्टम ही कुछ चेंज है। आज के नौजवानों को जिस फील्ड में स्कोप नज़र आती है वो उसी तरफ भागते हैं, उसी फील्ड पर हमलावर हो जाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उस एक बार या तो वो शेर बनकर सारी दुनिया पर अपनी काबिलियत की दाग पिटा सकते हैं या फिर गीदड़ की तरह दर दर की ठोकरें। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है कोशिश करें कि आप उस साइड पे जाएं। अगर एक फील्ड में आप हो और उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी आप जितनी भी कोशिश कर लो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप एग्जांपल ले लो कि एक बच्चा है, कुछ बच्चों को स्कूल जाने का शौक़ होता है लेकिन कुछ का नहीं होता, लेकिन जिनका नहीं होता वो जाते हैं, ज़बरदस्ती क्लासेस में बैठते हैं, टीचर का लेक्चर कॉपी पे नोट तो करते हैं लेकिन कॉपी बंद, और देन उस कॉपी को एग्ज़ाम के वक्त खोला जाता है। तो एक बच्चा जब FSC में होता है, एक बच्चा जब FSC में होता है तो मैट्रिक के बाद वो अपना मकसद सेलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बचपन से ही ये बताया ही नहीं गया कि उसका मकसद क्या है। कभी उसे बचपन से बताया ही नहीं गया कि तुम्हारा मकसद क्या है, आपने क्या करना है। उसे इस कंसेप्ट ये कंसेप्ट नहीं दिए गए कि आप बड़े होकर इन फील्ड्स में जा सकते हो, इन फील्ड्स को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड का मकसद सेलेक्ट करो, देन उसके बारे में आप बुक्स पढ़ो, डेप्थ में जाओ, उसकी डिस्कवरीज करो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप जिस फील्ड में जाके अप्लाई करोगे आप ज़रूर कामयाब होगे, कभी हार नहीं मानोगे, ज़रूर अपने अरूज तक पहुँचोगे। आप एग्जाम्पल ले लें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने ये अहद किया था कि उन्हें बड़े होकर पूरे वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो आज ना सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है बल्कि आज आपके सामने एक अच्छे कंट्री में और एक अच्छे लीडर भी हैं आपके सामने। इमरान खान आज हमारे एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।